हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आपका मैटर संजीव मंजोत्रा और आज हम जो टॉपिक लेके हैं वो प्राइसिंग का ही है। जैसे हमने पहले प्राइसिंग पढ़ी थी, स्कीमिंग प्राइसिंग और प्रेस्टिज प्राइसिंग, आज हम प्राइसिंग का बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिर एक टॉपिक लेके आए। उसमें हम आज दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इसमें हम बात करेंगे ऑड प्राइसिंग और प्रेस्टीज प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में बात करें, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या है कि हम मार्केटर क्या करते हैं, वो साइकोलॉजिकली कस्टमर को, इमोशनली कस्टमर को टारगेट करता है, नॉट ऑन ए रैशनल बेसिस। ठीक है, साइकोलॉजिकली कस्टमर को हम कह सकते हैं टारगेट करेंगे जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करेगा, क्योंकि कस्टमर जो है वो बड़े ध्यान से प्रोडक्ट को बाय करता है। ठीक है, इसमें उसको इंडिविजुअली टारगेट कर रहे हैं। जैसे यहां पे मैं अगर बात करूं, ऑड प्राइसिंग क्या होती है कि हम इस तरीके का प्राइस सेट करते हैं, ऑड नंबर सेट करते हैं। ठीक है, एक राउंड नंबर सेट कर देते हैं, जैसे 99 रुपीस। चाहता यहां पे मैं 100 भी लिख सकता था, पर मैंने क्या लिखा, 99 कम लगता है। जैसे 1000, यहां पे 999, फर्क तो 1 रुपए का ना, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 1 रुपी। बट अगर हम देखें ध्यान से तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, दैट इज ऑड प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। 1 रुपए का फर्क है, पर अगर बोलने में आएगा तो क्या लगेगा, एक शर्ट कितने के लिए, 1000 की, 1000 में बात की है, और यहां पे मैंने क्या बात की, 999। ठीक है, अभी ये बिग बिलियन सेल या फ्लिपकार्ट जितनी भी लगी थी, अमेजोन पे जो अभी सेल लगी थी, उसमें जितने भी आपने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स देखे, उसमें क्या क्या स्ट्रेटजी यूज हुई थी, यही हुई थी साइकोलॉजिकली। 299, ठीक है, 199 एलईडी बिक रही थी, 2399 इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या था साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बात की कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम कंज्यूमर को साइकोलॉजिकली टारगेट कर रहे हैं। कंज्यूमर ये कहेगा कि हाँ है 24,000 है, पर आवाज बोल कैसे रहे हैं, 23,000। ये चाहे फर्क बिल्कुल कम है, 24,000 23,999 में कोई फर्क ही नहीं है, 1 रुपए का फर्क ही है, पर हम बात क्या कर रहे हैं, यहां पे आवाज क्या निकली, मुंह से क्या बोला, 23,000। अगर हम बात करें 23,000 है, 23,000 कह दी, 24,000 का नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, या हम क्या बोलते हैं, ऑड प्राइसिंग बोलते हैं, क्या कि एक ऑड नंबर ले लेते हैं, या हम एक राउंड नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो रिचार्ज करवाना जी, 98 का रिचार्ज, 99 का रिचार्ज, 100 एक बहुत बड़ा लगता है, 1000 ज्यादा लगता है। ठीक है, तो 10,000 ज्यादा लगता है, तो उसके अंडर हम प्राइस को सेट करते हैं, और देखने में भी हमें क्या लगता है, कम लगता है। ठीक है, तो इस तरीके की प्राइसिंग को बोलते हैं साइकोलॉजिकल, इसे बोलते हैं ऑड प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के पार्ट कह सकते हैं ऑड प्राइसिंग। अब साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में एक और चीज आती है, प्रेस्टीज प्राइसिंग। प्रेस्टीज प्राइसिंग क्या है, प्रेस्टीज प्राइसिंग में क्या होता है कि जब कंज्यूमर प्रोडक्ट को प्राइस के बेस्ड पे चेक करता है, उसकी क्वालिटी को परसीव करता है। कई लोग सोचते हैं महंगा प्रोडक्ट होगा तो क्वालिटी भी बढ़िया होगी। ठीक है, जैसे प्रेस्टीज प्राइसिंग स्ट्रेटजी किसने यूज की, आईफोन तो करते ही ना, उसके अलावा कोई ब्रांड है, यस, वन प्लस ने अपने जितने भी फोन्स लॉन्च किए, अब उसकी एक इमेज बन चुकी है लोगों की, महंगे फोन, आईफोन के बाद वन प्लस को भी पसंद किया जाता है। वन प्लस की स्ट्रेटजी क्या थी, प्रेस्टीज प्राइसिंग, हालांकि वो भी एमआई के साथ ही, वो भी चाइनीज ब्रांड ही है ना, एमआई के साथ ही सिस्टर कंसर्न कंपनी थी पहले, अब वन प्लस अलग हो गया, जब तो वही एमआई वन प्लस सेम ही लगते हैं, सेम है, पर वन प्लस ने अपने आप को एक अलग कैटेगरी में डाल दिए, एक प्रीमियम कैटेगरी में डाल दिए, दैट इज द प्रेस्टिज।
प्रेस्टीज प्राइसिंग, अपना प्राइस अपनी प्रेस्टीज के मुताबिक, अपनी इमेज के मुताबिक रखना। आईफोन की एक प्रेस्टीज इमेज प्राइसिंग रखेगा हमेशा। जब तक आईफोन 80,000 90,000 अपना प्राइस सेट करता रहेगा फोन का, तब तक आप कहोगे महंगा आईफोन है, प्राइस तो ज़्यादा हो गई, आईफोन है कम क्यों रखेगा। अब कल को वो अगले साल वो 10,000 भी बढ़ा देगा, आप कहोगे आईफोन है यार उसमें तो बढ़ाना ही है, पता ही है। जिस दिन उसने, क्योंकि वो अपनी प्रेस्टीज के मुताबिक अब प्राइस सेट करेगा ही करेगा, उसकी की इमेज बन चुकी है, वो प्राइस कम नहीं कर सकता, एक बेइज्जती महसूस होगी ना। वही चीज़ यहाँ पे, जिस दिन आईफोन ने अगर इस साल 90,000 का लॉन्च हुआ, अगले साल उसने 60,000-70,000 कर दिया ना, तो आप कहोगे नहीं यार अब आईफोन को ना कॉम्पिटिशन मिलना शुरू हो गया, आईफोन की वो बात नहीं रही। आपके इन्हीं हम कह सकते हैं बातों को आईफोन सहन नहीं करेगा, ठीक है। उसे पता कि कंज्यूमर्स मेरी इस तरीके से ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। 90,000 से बढ़ेगा तो आप कहोगे इमेज है, प्रोडक्ट बड़ा है, ब्रांड बड़ा है। जिस दिन उसने एक रुपया भी कम कर दिया, आप लोग कहोगे अब वो क्वालिटी नहीं रहेगी। इसी चीज़ से बचने के लिए ऐसे ब्रांड्स, प्रीमियम ब्रांड्स अपनी प्रेस्टीज प्राइसिंग यूज़ करते हैं, अपना प्रीमियम प्रोडक्ट प्राइस भी ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई ब्रांड, जैसे वन प्लस की बात की, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल्स में भी आते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स ऐसे होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी क्या है, कुछ ब्रांड्स है वो अपना प्राइस ज़्यादा ही रखेंगे, कम प्राइस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मारुति या कुछ और ब्रांड्स है वो अपना प्राइस कम रखेंगे, ठीक है। पर कुछ ऐसे ब्रांड्स हो गए, प्रीमियम ब्रांड्स हो गए, वो अपना प्राइस ज़्यादा रखेंगे, तभी आप कहोगे ये प्रोडक्ट अच्छे है, प्रीमियम ब्रांड्स है, ठीक है। जैसे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू है, वो अपना प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो आप कहोगे ठीक है। जिसने कम कर दिया, आपने कहना नहीं अब वो प्रोडक्ट वो बात नहीं रही। तो इस तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटजी कौन यूज़ करते हैं, प्रीमियम ब्रांड्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ द प्रेस्टीज प्राइसिंग, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का प्राइसिंग का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मुझे इजाजत दीजिए, पर आपका गुरुकुल चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।